अभी सुबह क्या 10 बज रहे हैं और मैं काजा से निकला ही हूँ और मैं लांगजा हिकिम और कॉमिक की तरफ जा रहा हूँ। कल मैं की बर घूमा था, फिर काजा आ गया था क्योंकि मैं सोचा आराम कर लूँ, फिर नेक्स्ट डे निकलूँगा लांगजा के लिए। तो आज का भी दिन बाइक पे होने वाला है, तो जर्नी शुरू करते हैं लांगजा की तरफ। तो काजा से निकला था, मैंने आपको बताया लांगजा में आ रहा हूँ, और आपने देखा ही रास्ता बहुत ख़राब था क्योंकि बर्फ़ की वजह से ख़राब था। और मैं पहुँच गया हूँ, ये है लांगजा। लांगजा में ये जो मूर्ति है भगवान की, बहुत टाइम से और कहा ये जाता है कि ये जो मूर्ति है ये वाली, ये लांगजा गाँव की रखवाली करता है। ये जो ये गाँव है और वहाँ भी कुछ घर है नीचे, तो इसलिए ये इस तरफ फेस किया होता है, इसलिए क्या कहा जाता है ये फेस किए हैं उस तरफ और पूरे गांव को देखते हैं, रखवाली करते हैं। बहुत मान्यताएं हैं ये इनसे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। मैं पास में जा रहा था और ये रुकिए मैं बताता हूँ, पास में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये लांगजा का ये मूर्ति है भगवान की, और ये गांव है नीचे। ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 घर हैं, तो यहाँ की आबादी मेरे को नहीं लगता उतनी ज़्यादा है। और एक बार और, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी बात ये है कि हम लांगजा में थोड़ा रुकेंगे और वीडियोज़ फ़ोटोज़ लेंगे, उसके बाद सोच रहे हैं हिकिम कॉमिक पर। बात ही और ये कि पहले कॉमिक जाया जाए फिर हिकिम जाया जाए, क्योंकि कॉमिक थोड़ा ऊपर है, फिर रिटर्न होकर हिकिम जाया जाए। और देखते हैं अभी अभी तो आपको पता ही चल जाएगा वीडियो में आगे कि होने में क्या वाला है, क्योंकि अभी तो कुछ उतना प्लान नहीं है कि पहला कौन सा जगह जाना है, तो देखते हैं अभी कहाँ जाना है। तो भाई ने सही कहा था, रास्ता बहुत ख़राब है। मैं ये बुलेट पे आया हूँ जैसे आपको मैंने पहले बताया, और मेरा ये देख रहे हैं ये बहुत ही रास्ता ख़राब था, सीरियसली बहुत ख़राब था, पर फाइनली वी डिड इट, हमने कर दिखाया। हिमाचल ये क्या कैफ़े है, एक्चुअली ये हिकिम का कैफ़े है, नियर वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिकिम, हमने कर दिखाया, फाइनली मैंने कर दिखाया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि इतने रिस्क के बाद मैंने कर दिखाया आपको। शायद मैं फुटेज दिखाऊंगा अगर वो रिकॉर्ड हुई होगी, हाँ रिकॉर्ड हुई है, और मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही गंदा रोड था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना गंदा रोड होगा, क्योंकि मैं मौसम ही वैसे चूज़ करके आया था कि ठंडी चल जाए, पर जो स्लश थे मिट्टी थे उसने हालत ख़राब कर दी। भगवान बचाए यार, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत रास्ता ख़राब था। हाँ एक बात और, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस में, जो दुनिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से मैं अपने प्रिय लोगों को लेटर भेजूँगा। और अगर जो वीडियो देख रहा हूँ उनको लेटर मिला है तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करें, चले हैशटैग ओ चले अंडरस्कोर इंडिया है। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये, तो मैं पोस्ट ऑफिस की तरफ पहले जाता हूँ, पोस्ट कार्ड देखता हूँ है कि नहीं है, फिर आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि नीचे पोस्ट ऑफिस से हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड है, तो नीचे आने के बाद ये रहा,
ये पोस्ट ऑफिस है, और सबसे बड़ी बात है ये 7 से 7:30 मतलब आधे घंटे के लिए सुबह खुलता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है, फिर 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक दोपहर में खुला रहता है। ये सीन है यहाँ पे, तो अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा देर रुक जाओ, नहीं तो आपको पोस्ट कार्ड मिलेंगे नहीं और आप लेटर लिख नहीं पाओगे। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं पोस्ट कार्ड लेने के लिए और उसके बाद लेटर लिखते हैं। और ये जो भाई लोग हैं ये दिल्ली से मिले हैं मुझे, मतलब दिल्ली से हैं और यहाँ पे मुझे मिले हैं, तो अभी पोस्ट कार्ड लिखता हूँ मैं, मज़ा आएगा अभी। तो मुझे परमिशन मिल गई, मैंने परमिशन ले ली और मैं अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर जा रहा हूँ देखने के लिए कैसा है। मैं आपको दिखाता हूँ हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, ये किस तरफ है, हाँ किस तरफ है, यहाँ पे ये मैं आ गया हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे रहते भी हैं। और ये रहा इनका टेबल, ये टेबल यहाँ पे ये स्टैम्प मारते हैं और सब लिखित वर्क यहीं होता है, और यहाँ पे सोते भी हैं ये यहाँ पे। सो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड पे, मतलब हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे हूँ दुनिया के। बहुत ही अच्छे तरीके से सजा है वो, आप देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं बाहर जाता हूँ, फटाफट लिख लेता हूँ पोस्ट कार्ड जो मुझे मिले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पोस्ट कार्ड कैसे। एक मिनट हाँ रुके, ये 4 पोस्ट कार्ड जैसे मैंने आपको बताया लिखे हैं, मैं ये आंटी को दे रहा हूँ क्योंकि आंटी इसको टिकट लगाएंगी, फिर ये कुरियर होंगे, है ना आंटी। तो एक जो ये पोस्ट कार्ड है कितने का पड़ता है, ये वाला 20 का, ये 20 का पड़ता है पोस्ट कार्ड। तो ठीक है, मतलब किसी को इतनी दूरी से लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आंटी को दे दे रहा हूँ और आंटी ये पोस्ट कर देंगी। आई विश ये जिसको जिसको मैंने लिखा ये पहुँच जाए। तो ये लिखे आंटी, थैंक यू। तो अभी मैं यहाँ से आंटी को पैसे दे दूँ, फिर कुछ आपको अच्छी बात बताऊँगा। वो लेटर लिख चुका मैंने और बहुत ही खुश हूँ कि मैंने लेटर लिखा और आप तक पहुँचेगा ज़रूर जिसको जिसको मैंने लिखा है। ये पोस्ट ऑफिस है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मैं अप्पू से एक बार, अप्पू से आप पूछ लीजिए अप्पू कैसा लगा जो मुंबई से, अप्पू कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो कितने पोस्ट कार्ड लिखे? 3 लिखे मैंने। 3? हाँ। तो अप्पू ने 3 लिखे, मैंने 4 लिखे, हमारे चाहने वाले बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए तो 4 हो गए। लिखने और वाला था पर बात क्या, आंटी बोली कि मुझे जाना है, तो क्योंकि वहाँ पे नीचे जाता है पोस्ट कार्ड और उस पर फिर टिकट लगती है और फिर वहाँ से वो जाता, मतलब हिक्किम से पोस्ट कार्ड आप लिखो फिर उसके बाद वो काजा जाता है, काजा में टिकट लगती है, फिर टिकट लगने के बाद काजा से वो ट्रांसफ़र हो जाती है जहाँ जहाँ जाना होता है। तो इसको टाइम लगता है, जैसे हमारे पोस्ट कार्ड मुंबई में अगर हम कहीं किसी को भेजते हैं तो 7 दिन में मैक्सिमम डेज पहुंच जाती हैं, पर हिक्किम काजा ये सब जगह को ना 7 दिन एक्सटेंड करके मिलता है क्योंकि ये अंदर पड़ जाता है, और इसके वजह से ये एक्सटेंड डेट इन्हें मिल जाती है कि ये आराम से पहुँचा सकें। और ये जो है वर्ल्ड हाइएस्ट पोस्ट ऑफिस, ये 14,567 फीट अबोव द सी लेवल पे है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं जिस लिए आया था वो हो गया। और एक और बात, पिन कोड यहाँ का है 17-21-14 है, तो यहाँ पे याद रखिए। तो पोस्ट कार्ड फाइनली आ गया, अब मेरा ट्रिप मतलब सक्सेस रहा सीरियसली। तो अब मैं नीचे की तरफ जाता हूँ क्योंकि बात क्या है कि जो कॉमिक का रास्ता है वो बंद है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, इसलिए हम कॉमिक नहीं जा रहे हैं। तो हम वापस काजा की ओर जा रहे हैं, नीचे काजा जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल नहीं है और डर लग रहा है क्योंकि जो पूरा स्लश है वो तकलीफ़ दे रही है रास्ते में। तो अभी देखते हैं, मैं जाता हूँ, इसको मैं बार बार बोलता हूँ पोस्ट ऑफिस को, और मैं जाता हूँ नीचे काजा की तरफ, और कुछ नया एडवेंचर रहेगा तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। तो चलें फिर काजा, चलो। तो अभी
भी बहुत तकलीफ़ वाली बात हो गई। ये बुलेट से मैं जैसे हिक्किम से निकल ही रहा था काजा के लिए और छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मालूम नहीं मैं ये रोज़ रास्ते से गया ही था पर आराम से पहुंच गया, पर आते समय पता नहीं क्या हुआ ये यहाँ पे लग गया मुझे। मैं बताता हूँ, ये लग गया है, कट गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या। दर्द हो रहा, कुछ बांध देता हूँ, काजा जाने के बाद कुछ करता हूँ उसको। बहुत ही डेंजर रोड है, बहुत ही ज़्यादा, सोचा नहीं था इतना डेंजर रोड होगा। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, यहाँ पे बैठ गया हूँ मैं। बाइक चलाओ पर बहुत सेफ से, कुछ बांधता हूँ इस पर और काजा पे ही चलता हूँ, फिर कुछ हो पाएगा। तो काजा आ चुका था और काजा के हॉस्पिटल में हूँ मैं, तो मैंने सोचा पट्टी करवा लूँ। थोड़ा सा कट जैसा आ गया, मतलब ऐसा ओपन टाइप, तो सोचा पट्टी करवा लूँ। हम देखते हैं डॉक्टर आते हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी तो है नहीं, उन्होंने बोला आप बाहर बैठ अंदर बैठिए, हम बुलाते हैं डॉक्टर को। तो बाहर जाके चार डॉक्टर को बुलाने चले गए। बात यह है कि कट गया, दर्द इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ठंडी की वजह से, यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा। अगर ठंडी नहीं होती ना तो दर्द के मारे हालत ख़राब हो गई होती। कैसे आया मैं, मेरे को ही पता है। और अभी डॉक्टर आ रहे हैं शायद, तो देखता हूँ क्या बोलते हैं डॉक्टर। ज़्यादा तो नहीं है ना? नहीं नहीं ज़्यादा डीप नहीं है, डीप नहीं है ज़्यादा। तो डॉक्टर भी कह रहे हैं डीप तो नहीं है ज़्यादा, तो पट्टी मारेंगे ना। पट्टी मरवा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दर्द है ठंडी, जैसे मैंने कहा ठंडी की वजह से दर्द नहीं दे रहा, नहीं तो और दर्द देता। वीडियो बना दे? हाँ। क्यों? मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ ना, जब जहाँ जहाँ मैं घूमने जाता हूँ ना तो वहाँ की वीडियो बनाता हूँ। ये सरकारी हॉस्पिटल है कि? सरकारी है। मुझे निकाल दो, थोड़ा सा इधर को कर दो बस, थोड़ा टाइट बांध लीजिएगा। बस तो पट्टी हो गई इधर से, तो पट्टी करवा ली है। जैसे कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो जो पट्टी हुई है वो फ्री में हुई, कोई चार्ज वार्ज नहीं लिया, सबसे बस बात है। अब वो आया, बात ये हो गई है ना कि पट्टी मार ली है ना तो वो चलने को और नहीं हो रहा। तो भाई अप्पू है तो मेरे को बाइक तक लेके जाएगा और अप्पू बाइक चलाएगा। बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो हॉस्पिटल है फ्री की ट्रीटमेंट होती है, कोई चार्ज नहीं है। अच्छे यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, जो हॉस्पिटल में जो जितने लोग हैं सब अच्छे हैं। और क्या कहूँ मैं, अब सोच रहा हूँ कि रूमा जाके थोड़ा देर आराम कर लूँ, फिर उसके बाद कहीं निकलूँ मैं, क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं सोचूँ कुछ खा भी लूँ। हाँ तो ये सोच रहा हूँ कि मैं खा लेता हूँ, क्योंकि खाया नहीं हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, तो जा रहा हूँ मैं खाने के लिए, फिर आराम करूँगा मैं।
तो जैसे कि मैंने बोला खाना खाने के लिए, तो हम खाना खाने आए हैं और यहाँ पे है संजू कॉर्नर ढाबा करके कोई ढाबा है, मैंने आपको बताया नहीं, बहुत अच्छा खाना देता है, 70-80 रुपये प्लेट है और आपको 6 रोटी मिल जाती है, चावल मिल जाती है, कड़ी मिल जाती है, दाल मिल जाती है, भाजी मिल जाती है, मतलब ये अनलिमिटेड है, आप कितना भी ले सकते हो। तो मैं अभी खाना खा लेता हूँ और इसके बाद मेरे को नहीं लगता कोई प्रोग्राम है, शायद आराम करूँगा, तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा अब क्या होगा। तो शाम हो गई है, ठंडी बढ़ना शुरू हो गई है, मैं खाना खा के सोचा था घर पे चल जाऊँगा, रूम पे आराम करूँगा, पर आराम नहीं हो रहा था, तो मैं काजा की मोनेस्ट्री पे आया हूँ, ये रही, और ये पेट्रोल पंप के नज़दीक में, काजा में एक्चुअली एक ही पेट्रोल पंप है और ये मोनेस्ट्री के सामने ही है वो पेट्रोल पंप, एकदम सामने, जैसे ये मोनेस्ट्री है ये पेट्रोल पंप है इस तरफ इधर कहीं। तो अभी मैं मोनेस्ट्री के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि देखा नहीं है मैंने अच्छे से, तो अंदर जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या है। तो वो बाहर से था और ये अंदर आ गया मैं, ये मोनेस्ट्री तो बहुत खूबसूरत है, सच्ची बहुत खूबसूरत है, बहुत ही पीसफुल है यार, मतलब यहाँ आवाज़ भी नहीं कर सकते हम, और ये ड्रम टाइप है, ये स्टिक है, इसको हम ये लोग जब करते हैं पूजा तो ज़ोर ज़ोर से इस पर मारते हैं ताकि आवाज़ आए, और बहुत ही खूबसूरत है। पूरे ज़मीन पे ये गेहूँ गिरा है, शायद आपको ना दिखता हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं आपको इसके एक थोड़े से शॉट दिखाता हूँ ग्लिच, कि आपको पता चले कैसा है प्रॉपरली, तो ये रहे। सो हम वीडियो शूट ही कर रहे थे तो हमें प्रसाद के तौर पे चॉकलेट और काजू और किशमिश मिला है ना भाई, सही। तो बहुत हम लोग खुश हैं कि यहाँ पे बात ये है ना कि आप कभी भी मॉनेस्ट्री में अगर जा रहे हो ना तो आपको चाय पानी मीठा सब कुछ ये आपको सर्व करते हैं और फ्री में, आपको कोई चार्ज नहीं लगता, सबसे बड़ी बात ये है, बहुत ही खूबसूरत मज़ा है बहुत ही। और मैंने तो इतनी अच्छी नज़ारे मैंने कभी अपने लाइफ में देखे नहीं थे और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो वाह। तो आज ये दूसरा दिन एंड होने वाला है, लगभग 9 बज गए, अभी भी रोशनी है यहाँ पे, और बात ये है कि हमने अतुल भाई से, ये जो है अतुल भाई, यहाँ इनके पास हमने बाइक हायर की थी स्पीति आउटडोर पे, बहुत मज़ा आया, बहुत ये 2 दिन बहुत ही शानदार रहे हैं, और कल वापस जाना है हमें रिकॉन्ग पियो, इसलिए हमने बाइक वापस ला के छोड़नी है। तो अब ये व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि अब शाम हो गई है, अब सब कुछ हो गया, बाइक वाइक सब वापस हो गई है, सब बिस्किट विस्किट ले लिए हैं, तो अब रूम पे जा रहा हूँ, आराम करता हूँ। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कल वापस जाना है और फिर वहाँ से छोटा सा ट्रिप और एक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।